हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त तौफीक, और आज हम बात करने वाले हैं नई नवेली टाटा हार्वियर के बारे में। हम आपको उसका पूरा इंटीरियर, एक्सटीरियर और इंजन पावर के बारे में बताएंगे। जो भी जानकारी हमारे पास है हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्रिप्शन का बटन ठीक लाल कलर का नीचे है, अभी दबा दें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि मिले मेरे वीडियो आपको सबसे पहले। और मेरे को सपोर्ट करें, मैं इस चैनल पे नया हूँ तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें। और चलिए शुरू करते हैं। 2019 में लॉन्च हुई थी और ये फर्स्ट जनरेशन वेरिएंट आप देख रहे हैं। सिर्फ डीजल में आती है, रेंज शुरू होती है ऑन रोड 15 लाख रुपीज से और टॉप मॉडल की कीमत है 20 लाख रुपीज। टाटा नेक्सॉन और टाटा हेक्सा के बीच में आती है हैरियर, पुणे में असेंबली होती है हैरियर की। स्पोर्टी पियानो ब्लैक फिनिशर है बीच में। रियर फॉग लैंप भी दिए गए हैं नीचे, नीचे रिफ्लेक्टर दिया गया है और ये हैरियर की बैजिंग, ये रियर कैमरा, टाटा का लोगो, रियर वाइपर और ये स्टॉप लैम्प, साथ में स्पॉइलर भी दिया गया है इंटीग्रेटेड और ये शानदार 3D LED टेल लैम्प। और यहां से भरेंगे डीजल, यहां पर भी हैरियर की बैजिंग दी गई है। हाई स्ट्रेंथ स्टील से बनी है हैरियर की बॉडी, ऑप्टिमल मॉड्यूलर एफिशिएंट ग्लोबल एडवांस्ड आर्किटेक्चर है हैरियर का। यहां पर भी डोर पे नीचे लाइट, स्पीकर, बॉटल होल्डर और काफी ज्यादा स्पेस है। ये पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं। और ये टायर प्रेशर इंफॉर्मेशन, 8-way एडजस्टेबल मिलेगी ड्राइवर सीट और ये शानदार बेनेक कैलिको कंपनी की ओक ब्राउन लेदर अपॉल्स्ट्री। और ये पेडल्स, ये बोनेट खोलने का लीवर और ये पुश स्टार्ट बटन है ओक वुड फिनिश के साथ। और ये है टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील पोर्ट, दो ग्लास होल्डर्स हैं, काफी स्टाइलिश। और ये 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन। और ये टेरेन रिस्पांस मोड सेलेक्ट कर सकते हैं यहां से, रफ, नॉर्मल और वेट। साथ में ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है और आगे थोड़ी स्पेस दी गई है। और ये है फुली ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल AC। और ये लाइट के कंट्रोल्स हैं, हैजार्ड लाइट का बटन है, ये स्पोर्ट मोड का बटन है, ये इको मोड का बटन है। और ये है 8.8 इंच का फ्लोटिंग आइलैंड टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट, सपोर्ट करेगा एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ, ऑक्स, रेडियो, FM, नेविगेशन और वॉइस कमांड। ये एंड्रॉयड ऑटो, रेडियो, USB, फोन, ऑडियो सेटअप, वॉइस कमांड, कॉन्टैक्ट्स, ऑक्स, ब्लूटूथ ऑडियो, ड्राइव नेक्स्ट। डैशबोर्ड पे एंटी रिफ्लेक्टिव नापा ग्रेन टॉप लेयर है। ग्लो बॉक्स में लैपटॉप ट्रे भी मिलेगी। और ये ट्विटर्स, और ये रियर व्यू मिरर, ये रीडिंग लाइट,
लिए सनग्लास होल्डर, पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा, और ये है हाइड्रोलिक पावर असिस्टेड रैक एंड पिनियन स्टीयरिंग, बीच में टाटा का लोगो है। यहां पर भी थोड़ी स्पेस सी गई है बीच में। और ऐसा दिखता है डैशबोर्ड, प्रीमियम ओक वुड फिनिश के साथ सॉफ्ट टच डैशबोर्ड है, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील और गियर शिफ्ट नॉब मिलेगा। ये ट्रिप मीटर, रेंज, पावर टॉर्क, एवरेज, ड्राइव मोड्स भी दिखा रहा है, इको मोड सेलेक्ट किया हुआ है अभी, डिजिटल आरपीएम मीटर भी है। तो ये है 2000 सीसी इनलाइन फोर सिलेंडर क्रायोटेक फिएट मल्टीजेट टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन, 138 हॉर्स पावर है, 350 Nm टॉर्क है और 16 का एवरेज मिलेगा 50 लीटर के फ्यूल टैंक से, और लगभग 180 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड है। इस इंजन को जेट टर्बो डीजल JTD इंजन भी कहा जाता है। ये इंजन जीप कंपास, जीप चेरोकी, 2015 शेवरोले क्रूज और अल्फा रोमियो जूलेटा में भी यूज होता है। तो कैसे लगी आपको टाटा हैरियर SUV, हमें कमेंट्स में बताइए।